आईफोन में फ़ोटो को आईक्लाउड में सेव कैसे करें। या दोस्तों, अगर आप जो है अपने आईफोन में फ़ोटो वगैरह क्लिक करके रखे हुए हो तो उसको आप जो है अपने आईक्लाउड में सेव करके कैसे रख सकते हो, जिससे आपको कभी भी उस फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको फिर से लोड करके वापस ला सकोगे। तो आईफोन में आईक्लाउड में फ़ोटो सेव कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं फ़ोटो को आईक्लाउड में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आईफोन में जो भी फ़ोटो आपने क्लिक करके रखा होगा अपने कैमरा ऐप से या फिर कहीं से भी आपका फ़ोटो है, वो आपको जो है दोस्तों अगर आईक्लाउड में सेव करना चाहते हो तो दो ऑप्शन हैं। जैसे दो तरीक़े से आप जो है कर सकते हो। एक जो है अपने आईफोन में जो ऐप रहता है उसके थ्रू आप जो है आईक्लाउड पे फ़ोटो को सेव कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। एक होता है दोस्तों आप जो है वेबसाइट के थ्रू, उसके लिए आपको जो है दोस्तों कोई सा भी एक ब्राउज़र ले लेना है, उस पर आपको जो है iCloud.com पे चले जाना है और अपना एप्पल आईडी पासवर्ड डाल के अपना जो आईडी रहेगा, ठीक है, iCloud आईडी, उस पर आप जो है फ़ोटो को अपलोड कर पाओगे। चलिए सीखते हैं दोनों प्रोसेस। सबसे पहले हम जो है ऐप के थ्रू सीखते हैं कि आपका जो iCloud है उस पर आप फ़ोटो कैसे सेव कर सकते हो, उसके बाद हम वेबसाइट पे कैसे करते हैं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा आईफोन है और यहाँ पे फ़ोटो ऐप है, और फ़ोटो ऐप पे आप देख सकते हो काफ़ी तरीके का फ़ोटोज़ वगैरह है। तो आपको जिस भी फ़ोटो को अपने आईफोन के iCloud में सेव करना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका फ़ोटो एक है तो आप एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका एक फ़ोटो से ले कर ज़्यादा फ़ोटो है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सभी फ़ोटो को एक साथ ही आप जो है iCloud में सेव कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फ़ोटोज़ है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने घूमने गए थे तो इस तरीके से हमने फ़ोटो क्लिक करवाया हुआ था, तो इसी फ़ोटो को मैं जो अपने iCloud ड्राइव पे सेव करके रखना चाहता हूँ, जिससे कि ये जो यादें हैं वो सेव रहे मेरे फ़ोटोज़ पे, ठीक है, यानी कि iCloud ड्राइव पे सेव रहे फ़ोटो जब भी मेरे को चाहिए मिल जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फ़ोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। जिस फ़ोटो को आपको सेव करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक फ़ोटो होगा तो आप एक फ़ोटो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा शेयर का, इस पर आपको क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव टू फाइल का, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक हो सकता है iCloud ड्राइव आपके सामने आ जाए, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लोकेशन के अंदर में आपको यहाँ पे iCloud ड्राइव देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर हम फ़ोटो को सेव करेंगे जिससे कि हमारा iCloud ड्राइव है उसके अंदर फ़ोटो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो दोस्तों ये iCloud ड्राइव आपको नहीं दिखाई दे रहा है, शो नहीं कर रहा है, तब यहाँ पे कैसे लाएंगे, यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाता है, दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर नहीं दिखाई देता है तो एडिट पर क्लिक करेंगे और ये हो सकता है आपके में यहाँ पर ये जो है गायब रहे, ठीक है। देखिए लोकेशन के अंदर यहाँ पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑन माई आईफोन का ऑप्शन आ रहा है, iCloud का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आपके में नहीं आता है तब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से iCloud को इस तरीके से ऑन कर देंगे और ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो iCloud ड्राइव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जब आप फ़ोटो सेव कर रहे हो तो यहाँ पे एक अलग से जो है दोस्तों फोल्डर बना लीजिए फ़ोटोज़ करके, जिससे क्या है आप जो है कभी भी फ़ोटो को डाउनलोड करना चाहोगे, लोड करना चाहोगे तो आपको जल्दी से मिल जाएगा, फ़ोटोज़ नाम से फोल्डर बना के रखे रहोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पर न्यू फोल्डर, और यहाँ पर इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ फ़ोटो करके, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे इसके लिए आपके पास इंटरनेट डाटा होना चाहिए, आपके iCloud पे फ़ोटो जो है इंटरनेट डाटा से जाके सेव होगा, ठीक है, या फिर आप वाईफाई कनेक्शन करके रखें अपने आईफोन पे। आप यहाँ पे चेक करेंगे तुरंत यहाँ फ़ोटो यहाँ पर सेव नहीं होता, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपका फ़ोटो कितना है, अगर बहुत सारा फ़ोटो होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, साथ ही साथ जो है फ़ोटो की जो MB साइज़ है वो यहाँ पे मैटर करता है, साथ ही साथ आपका इंटरनेट डाटा कैसा है वो यहाँ पे जो है काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ फाइल ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ से एक बार हम जो है iCloud ड्राइव का जो ऑप्शन उस पर चले जाएंगे और यहाँ फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वेटिंग करके बता रहा है। तो हो सकता है दोस्तों आपका ये जो फ़ोटो है वो यहाँ पे वेटिंग करके आपको बताया, तो आपको वेट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अगर नहीं होता है अपलोड तो हो सकता है दोस्तों इसके लिए आपको जो है वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन की ज़रूरत होगी, आपके इंटरनेट डाटा जो सिल्वर डाटा है मोबाइल डाटा है उससे हो सकता है आपको जो है यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जो वाईफाई कनेक्शन है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं,
ठीक है। अगर यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से वेटिंग करके बता रहे हैं तो आपको वेट करना है, आपका फ़ोटो अभी अपलोड नहीं हुआ है, सेव नहीं हुआ है, आपको वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फ़ोटो दिखा रहा है लेकिन अभी ये अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर आपके में इस तरीके से आइकन आ रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा हो रहा है स्कैनिंग विथ आई क्लाउड करके, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा फ़ोटो जो है अपलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, हमारा फ़ोटो जो है अब अपलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ये बटन मिलता है ना, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके करिएगा, नीचे में बटन मिलेगा तो, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है आपको बटन ना मिले, डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड यहाँ पे दिखाए। ये देखिए अब यहाँ हमारा जो फ़ोटो है अभी ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे फ़ोटो ऐप के अंदर, तो देखिए यहाँ पे वेटिंग वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, वेटिंग टू अपलोड वगैरह सेव वगैरह, ठीक है। ये फ़ोटो डायरेक्ट अपलोड हो चुका है, सेव हो चुका है। यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ बता रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा फ़ोटो हो चुका है यहाँ पे सेव आई क्लाउड पे, ठीक है। तो ये हमने ऐप के थ्रू किया। अगर आपको इसको वेबसाइट के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत इजी काम है दोस्तों। इसके लिए आपको जो है कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे गूगल का क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसको ओपन कर लिया। सफारी आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो ब्राउज़र, ठीक है। आई क्लाउड यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर आई क्लाउड नंबर वन पर आ जाएगा वेबसाइट, और इस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये आपका आपने पहले से लॉगिन करके रखा होगा अपने एप्पल आईडी पासवर्ड को, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपका आई क्लाउड ओपन हो जाएगा। अगर आपने इसको नहीं करके रखा होगा तो जैसे ही आप जो है वेबसाइट पे जाएंगे iCloud.com पे, तो सबसे पहले तो आपको अपना एप्पल आईडी और पासवर्ड आने के लिए बोला जाएगा, जिससे आपका आई क्लाउड ड्राइव लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको ये लोगों का जो प्रोफाइल के बटन है उसके बीच में इस तरीके से बटन दिखाई देगा, फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताएगा, ओके कर देंगे। ये देखिए इससे पहले जो भी आपने फ़ोटो यहाँ पे सेव किया है वो सब दिखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम फ़ोटो और यहाँ पे सेव करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देता है ये अपलोड वाला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और गैलरी पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस फ़ोटो को आपको जो है अपने आई क्लाउड पर सेव करना है। चलिए दोस्तों अब मैं दूसरा वाला फ़ोटो यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ये वाला, ये देखिए ये और ये दो कर दिया, ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपलोडिंग करके बताया जा रहा है, अपलोडिंग 6 फ़ोटो, शायद 6 फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है मेरे से। चलिए कोई बात नहीं, जितना ही फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उतना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड के लिए हो जाएगा, यानी कि सेव हो जाएगा आपके आई क्लाउड पे, ठीक है। इससे पहले मैंने ऐप के थ्रू बताया था, अब यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपलोड हो जाएगा, तो ये भी डिपेंड करेगा आपका फ़ोटो कितना है और कितना साइज़ का है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फ़ोटो यहाँ पे सेव नहीं हुआ ऐसा कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप इस तरीके से प्रोसेस करके ये जो फ़ोटो है उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। ये देखिए हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको कभी भी ज़रूरत होगा फ़ोटो को आप यहाँ पर ईज़िली यहाँ पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे और कॉपी या लिंक पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको लोडिंग करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ोटो को आप अपने आईफोन के गैलरी यानी कि फ़ोटो ऐप के अंदर ला सकेंगे, सेम यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको लाना है अपने फ़ोटो को वापस से तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और उसके बाद आपको जो है दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा एक बटन जो कि रहेगा सेव इमेज का, ये देखिए। और ये सेव इमेज करेंगे तो आपके यहाँ पे फोटो ऐप के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।